नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के आप लोग के इस अलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास में आरओ समीक्षा अधिकारी का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इंग्लिश में पूछेगा जितने भी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस एग्जाम में, क्या उनका लेवल रहता है, कैसे आप लोग को क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, कैसे लगाना है, क्या क्या वो क्वेश्चन है, कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। ओके, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपने इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन इट, देयर द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज फोर्थ नो एरर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देखिए करना क्या है, आपको यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर सेंटेंस के किसी भी पार्ट में अगर आपको एरर लगती है देन आप लोग क्या करेंगे, उस एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सेंटेंस एरर से फ्री लगता है तो आप लोग क्या करेंगे, नो एरर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देयर इज वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स इट प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो गिव्स गुड आफ्टर सेल सर्विस। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आपको इस पहले क्वेश्चन में कहां पर एरर लग रही है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या एरर है, कैसे पहचानेंगे। चलिए आपको बताते हैं, सबसे पहले इसका मतलब क्या दिया गया आपको, दिस इज वन कंपनी, यह एक कंपनी है, हु नॉट जो नहीं, ओनली सेल्स जो नहीं बेचती है इट्स प्रोडक्ट, जो दोस्तों आपको बता दें जो ना केवल अपने उत्पादों को बेचती है बट ऑल्सो बल्कि बिक्री के बाद सेवा भी देती है, गिव्स गुड आफ्टर सेल्स सर्विस। तो दोस्तों मतलब क्या आपका दिया गया है, यह एक कंपनी है जो ना केवल अपने उत्पादों को बेचती है बल्कि बिक्री के बाद सेवा भी देती है। तो देखते ही पहचान गए होंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, दिस इज वन कंपनी, यह एक ऐसी कंपनी है जो, अब देखिए यहाँ पर आ रहा हु, अब हु जो रिलेट हो रहा है कंपनी को तो दोस्तों शो कर रहा है, और कंपनी हमारी बताइए लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। तो दोस्तों आपको बता दें नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए विच या फिर दैट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपका हु की जगह पर या तो आपका विच आना चाहिए या फिर आपका दैट आएगा। तो दोस्तों हु का प्रयोग जो है, हु और दैट का प्रयोग, आपको बता दें हु और दैट इन दोनों का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। तो यहां से आपका हो जाएगा दिस इज वन कंपनी विच नॉट ओनली सेल्स इट प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो गिव्स गुड आफ्टर सेल सर्विस। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का क्या आ जाएगा, बिल्कुल यहां से आप सभी का आ जाएगा बिच, यह एक कंपनी है जो ना केवल अपने उत्पादों को बेचती है बल्कि बिक्री के बाद अच्छी सेवा भी देती है। तो दोस्तों आपके किस पार्ट में एरर है, आपके यहां पर हु की जगह पर आ जाएगा विच, तो पहले वाले भाग में इसकी गलती है तो फर्स्ट पार्ट में एरर होगी। तो दोस्तों करेक्ट होगा दिस इज वन कंपनी विच नॉट ऑल्सो सेल्स इट प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो गिव्स गुड आफ्टर सेल सर्विस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे यहां पर एरर है आपके फर्स्ट पार्ट में। चलिए फिलहाल देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको दिया गया थिंग्स विल नॉट इंप्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। तो बताइए दोस्तों आप सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा इसमें एरर क्या है, कैसे आप लोग पहचानेंगे, आइए देखते हैं। चलिए फिलहाल दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस का मतलब क्या है, जब तक आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। थिंग्स विल नॉट इंप्रूव, चीजें तब तक नहीं सही होंगी अनलेस यू योरसेल्फ, जब तक आप स्वयं लुक इनटू इट, जब तक आप स्वयं जो है इस पर ध्यान नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, चीजें तब तक सही नहीं होंगी जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए यहां पर दिया गया थिंग्स विल नॉट इंप्रूव, बिल्कुल सही है, चीजें विल नॉट नहीं होंगी, इंप्रूव नहीं सुधरेंगी अनलेस, जब तक कि तुम योरसेल्फ स्वयं को लुक इनटू इट, दोस्तों जब तक आप लोग मतलब स्वयं जो है इस पर ध्यान नहीं देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इट किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर थिंग्स को, और थिंग्स हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लूरल है, तो दोस्तों प्लूरल के साथ आपका इट आएगा या फिर आपका देम आएगा, क्योंकि दोस्तों ये थिंग्स जो है आपका दे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दे का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, इसलिए हमारा इट का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर देम आ जाएगा, तो दे की जगह पर आपका आएगा यहाँ पर देम।
क्लियर है? तो बिल्कुल यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो आपका थिंग्स दिया गया जो कि प्लूरल है, तो अतः यहाँ पर आएगा लुक इनटू देम। ओके, तो बिल्कुल चेक इनटू इन्वेस्टिगेट समथिंग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चीज़ें तब तक सही नहीं होंगी जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो किस पर? इन चीज़ों पर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा देम। क्लियर है? तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर थर्ड वाला आ रहा था, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पहले वाले में गलती क्या थी? देखिए मैंने आपको बताया हु का प्रयोग जो है लिविंग थिंग के लिए करते हैं, नॉन लिविंग के लिए यहाँ पर विच का यूज करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट भी आएगा इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल केस में आएगा। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? इट की जगह पर हमारा जाएगा देम। ओके, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर रहता है और देम हमारा प्लूरल होता है, तो देम आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 153 और 154 में क्या करना है, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको प्रत्येक सेंटेंस में देयर आर टू ब्लैंक स्पेस, दो ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं। बिलो ईच सेंटेंस देयर आर फोर पेयर्स ऑफ वर्ड डिनोट बाय द नंबर 1, 2, 3, 4। तो फाइंड आउट, उस पेयर को ढूंढना है। फाइंड आउट विच पेयर ऑफ वर्ड्स कैन बी यूज टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस इन द सेम सिक्वेंस टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट, जो सेंटेंस को यहाँ पर मीनिंगफुल बनाए। ओके, तो वो कौन से वर्ड है उनको आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह दिया गया है, ही इज यूजली, वह सामान्यता, बट टूडे ही appear rather। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है? क्वाइट काम, स्ट्रिक्ट अनवेल, हैप्पी या फिर काम या फिर डिस्टर्ब। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी या फिर डी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं, ही इज यूजली, वह सामान्यता जो है शांत रहता है। शांत रहता है दोस्तों क्या होता है? काम, काम का मतलब होता है शांत रहना। वह जो हमेशा शांत रहता है, बट टूडे, लेकिन आज वह कैसा दिख रहा है? रेदर डिस्टर्ब, लेकिन आज वो जो है परेशान दिखाई दे रहा है। देखिए काम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया शांत रहना यानी क्वाइट, ठीक है ना, क्वाइट, पीसफुल, अनडिस्टर्ब। लेकिन वो आज कैसे दिख रहा है आप लोग का? चिंतित दिख रहा है, अशांत दिख रहा है, अपसेट है, बहुत डिस्ट्रेस्ड, इमोशनली कंफ्यूज्ड, जैसे समझना चाहें। देखिए डिस्टर्ब मतलब होता है इमोशनली कंफ्यूज्ड या फिर डिस्ट्रेस्ड, अपसेट हो गया है ये चीज। तो दोस्तों यहां से आपका क्या आ जाएगा, ही इज यूजली काम बट टूडे ही appears rather disturbed। मतलब उसके वह आमतौर पर जो है शांत रहता है, लेकिन आज वो कैसा दिख रहा है? चिंतित दिख रहा है, अशांत दिख रहा है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। तो बहुत बहुत ही सरल सेंटेंस आपसे पूछा गया है, उम्मीद करता हूँ अगर आपको सारे मीनिंग पता है तो आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है, लेकिन मॉडरेट रहता है, आपको हर वर्ल्ड के बारे में नॉलेज होगी। अगर दोस्तों आपका वोकैब सेक्शन अगर आप लोग का स्ट्रांग है तो इंग्लिश आप लोग के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, ही इज सो ब्लैंक दैट एवरीवन इज ऑलवेज फिर ब्लैंक टू हेल्प हिम इन हिज वर्क। ही इज सो, वह इतना है कि एवरीवन, कि हर कोई जो इस ऑलवेज हमेशा टू हेल्प सहायता करने के लिए इन हिज वर्क, उसके काम में सहायता करने के लिए क्या रहता है बताइए? मैग्नेनिमस, एगर, हेल्पफुल, रिलक्ट या फिर आप लोग का एडमेंट या फिर क्रूएल, क्या आ जाएगा ये आपको बताना। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बता दें, और देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर आपको दिया गया मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदार, इसका मतलब होता है दोस्तों आप लोग का उदार यानी कि उदार चरित, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं ग्रेट हार्टेड, जिसका दिल बड़ा होता है, या फिर बी नोवलेंट, ठीक है ना, मतलब उदार चरित, इतना विशाल। तो दोस्तों वह इतना उदार है कि हर कोई जो है उसकी सहायता करने के लिए उत्सुक रहता है। तो यहाँ से आपका जाएगा एगर, एगर का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका? उत्सुक होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आपको दिया गया यहाँ पर एडमेंट, तो एडमेंट का मतलब होता है आपका दृढ़ यानी कि अटल, यानी कि दोस्तों आपसे लोग से समझ सकते हैं रिगिड, फर्म, स्टीट फास्ट, इनफ्लेक्सिबल। लेकिन यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर ए आ रहा, बिल्कुल सही है, ही इज सो मैग्नेनिमस दैट एवरी वन इज ऑलवेज एगर टू हेल्प हिम इन हिज वर्क, मतलब वह इतना बड़ा है कि हर कोई उसके काम में मदद करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ रहे होंगे, सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या था, हिज यूजली, वह हम जो है समानता क्या है, शांत रहता है। हिज यूजली काम बट टूडे, लेकिन वो आज कैसा दिख रहा है? आज वो डिस्टर्ब दिख रहा है, अशांत दिख रहा है। और ऐसे यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, ही सो, वह इतना उदार है, वह इतना काइंड हार्टेड है, यानी कि दोस्तों आपका आ जाएगा मैग्नेनिमस दैट एवरी, की हर कोई, दैट एवरी वन, हर कोई इज ऑलवेज, हमेशा
अगर उत्सुक रहता है टू हेल्प, उसकी सहायता करने के लिए, उसके काम में उसकी सहायता करने के लिए, तो राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों फर्स्ट वाला। क्लियर है दोस्तों? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बता सकते हैं, कहीं पर भी कंफ्यूजन लगे तो आप लोग बता दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 155 और 156 में आपको क्या करना है, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवेन, ऑफ वर्ड टू वर्ड्स आर मोस्ट नियरली द सेम और अपोजिट इन मीनिंग, फाइंड द टू वर्ड्स विच आर मोस्ट नियरली द सेम और अपोजिट इन मीनिंग एंड चूज द नंबर ऑफ द करेक्ट लेटर कॉम्बिनेशन इन योर आंसर। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इनमें से प्रत्येक प्रश्न में आपको चार शब्द दिए गए, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन, तो प्रत्येक प्रश्न में आपको चार शब्द दिए गए जिनमें से दो शब्द अर्थ में लगभग समान है या फिर विपरीत है। वही आपको दिया गया, या तो सेम है नियरली द सेम और अपोजिट इन मीनिंग, या तो अर्थ में समान है या फिर अर्थ में विपरीत है। तो उन दोनों शब्दों को खोजिए जो अर्थ में सबसे अधिक समान हो रहे हैं या फिर विपरीत मिल रहे हैं, और उस कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करें। जैसा कि दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, आपको यहाँ पर पी क्यू आर एस दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है इनकम्पेरेबल, एवेंडेंस, प्रोजेक्शन और प्लेथरा। आपको यहाँ पर चारों वर्ड के मीनिंग पता होंगे तभी आप लोग बता सकते हैं कि हमारा दोस्तों क्या आएगा, सिनोनिम्स होगा या फिर हमारा एंटोनिम्स होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल का मतलब होता है अतुलनीय, बेमिसाल, यानी कि विदआउट इक्वल, मैचलेस, पीयरलेस, समझ गया ना दोस्तों, मतलब होता है बेमिसाल, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। एवेंडेंस, एविडेंस का मतलब होता है बहुतायत, बहुतायत का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, बहुतायत अधिकता हो जिसकी, यानी कि अगर हम आपको बताएं आपकी लैंग्वेज में द सिचुएशन इन विच देयर इज मोर देन इनफ ऑफ समथिंग, यानी कि आप वेरी लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में, समझ गए ना सभी लोग। एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस का मतलब होता है आ लार्ज, आ वेरी लार्ज क्वांटिटी, या फिर द सिचुएशन इन विच देयर इज मोर देन इनफ ऑफ समथिंग, तो मतलब होता है अधिकता। आप देखते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की बात करें, प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण, यानी कि अनुमान, एस्टिमेट, फॉरकास्ट, कैलकुलेशन, ये होता है अनुमान। और प्लेथरा का मतलब होता है प्लेथरा, प्लेथरा एक नाउन है और इसका मतलब होता है आप लोग का अधिकता, अधिक्य, यानी कि आ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, हमारा अधिकता होता है, और हमारा प्लेथरा इसका मतलब क्या होता है, अधिक्य होता है, अधिकता होता है, ठीक है ना। मतलब क्या दोस्तों, आ वेरी लार्ज क्वांटिटी, और इसका मतलब है आ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, तो मतलब एक ही है। तो हमारा देखिए क्यू और एस ये दोनों आपस में सिनोनिम्स होंगे, समानार्थी हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यू एस आ जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो देखा आप लोगों ने कैसा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, यहाँ पर आपसे मतलब नहीं है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अलग से क्वेश्चन नहीं पुटअप किया था, आपको चार शब्द दे दिए, आप ढूंढिए खुद, देखिए इनका लेवल कितना अच्छा है। अब आपको खुद ही ढूंढना है कि सिनोनिम्स, अब आपको खुद सेलेक्ट करना है कि सिनोनिम्स होगा या फिर एंटोनिम्स होगा, और ये आप लोग तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको यहाँ पर चारों वर्ड्स के बारे में उनके मीनिंग, उनके अर्थ पता हो, मालूम हो, तभी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब मैंने क्वेश्चन बताया, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए चारों वर्ड आपको दिए गए, जर्मेन, जनरेट, रिलायबल और इररेलीवेंट। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको मैं सभी का मतलब बताता हूँ। देखिए जर्मेन, जर्मेन का मतलब होता है संगत, सुसंगत, यानी कि संबंध, रेलेवेंट टू आ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा, मतलब होता है संगत होना, सुसंगत होना, संबद्ध होना। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पर जनरेट, जनरेट का मतलब होता है दोस्तों आपका उत्पन्न करना, ठीक है ना। जनरेट का मतलब क्या होता है आप लोग का, उत्पन्न करना, जनन करना, यानी कि प्रोड्यूस, क्रिएट या फिर ब्रिंग इन टू बींग, उम्मीद करता हूँ जनरेट आप लोग समझ गए होंगे। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, डिपेंडेबल, ऑथेंटिक या फिर जेन्युइन। रिलायबल का मतलब होता है ऑथेंटिक, जेन्युइन या फिर डिपेंडेबल या फिर विश्वसनीय। और अगर हम बात करें इररेलीवेंट की, तो इररेलीवेंट का मतलब होता है असंगत, अप्रासंगिक, नॉट रेलिवेंट टू समथिंग या फिर नॉट टू द पॉइंट, नॉट जर्मन। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने जर्मन, मैंने आपको बताया जर्मन, जर्मन का मतलब होता है आप लोग का रेलिवेंट, और इररेलीवेंट दोस्तों जस्ट अपोजिट दे रखा है, यानी दोस्तों ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोमार्थक हैं। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या आ जाएगा, सही जवाब आएगा हमारा पी और एस। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका पी एस। तो देखिए पहले वाला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया यहाँ पर, जी यहाँ पर मैंने बताया था दोस्तों आपको इनकम्पेरेबल दे रखा था, एवेंडेंस दे रखा था, प्रोजेक्शन दे रखा था, प्लेथरा दे रखा था। तो एवेंडेंस और प्लेथरा ये थे आप लोग के अधिकता,
ठीक है ना। अधिकता मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, ये दोनों का सेम थे, यानी कि दोस्तों आप लोग के सिनोनिम्स थे। और अगले वाले क्वेश्चन में आप लोग के एंटोनिम्स मिल गए, मतलब आप लोग का जर्मन और नॉट जर्मन, इसको बोलते हैं इरेलीवेंट। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा पीएस, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्या करना है, 157 और 158 में इन ई सेंटेंस बिलो आपको एक सेंटेंस दिया गया, अ वर्ल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज बीन प्रिंटेड इन बोल्ड, बिलो ईच फोर चॉइस 1, 2, 3, 4 आर गिवेन, पिक आउट वन विच कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड वर्ल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्टली विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिसके नीचे आप लोग को एक बोल्ड पार्ट दिया गया क्वेश्चन में बाय सच टाइम, तो इसकी जगह पर आप लोग का क्या आ सकता है ये आपको फाइंड आउट करना है इन चारों दिए गए ऑप्शन में से। तो बाय सच टाइम यू फिनिश दैट चैप्टर आई विल राइट अ लेटर, मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पर कहने का, पढ़ते समझिए गलत आ गया होगा, बाय सच टाइम ऐसे समय तक आप उस अध्याय को समाप्त कर दीजिए मैं एक पत्र लिखूंगा, पढ़ने में थोड़ा सजीव लग रहा है आपका, जो सही आएगा ये आएगा बाय द टाइम। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, देखिए बाय द टाइम का यूज वहां किया जाता है जब एट दैट टाइम, जब उसी टाइम में हमारा जो है जो ऑलरेडी जो हमारा वर्क हैपन हो चुका हो उस टाइम हमारा दूसरा वर्क चल रहा हो। जैसे कि आप लोग से मैं कहूँ, जब तक आप वह अध्याय पूरा नहीं कर लेते तब तक मैं एक पत्र लिखूंगा, मतलब दोस्तों क्या है जब आप लोग अध्याय पूरा कर लेंगे तो मेरा भी कार्य पूरा हो जाएगा, मतलब दोस्तों क्या एक दूसरे पर ये डिपेंड है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो मतलब होगा दोस्तों बाय द टाइम आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसकी जगह पर बाय द टाइम यू फिनिश दैट चैप्टर, जब तक आप वह अध्याय पूरा नहीं कर लेते आई विल राइट अ लेटर, तब तक मैं एक पत्र लिखूंगा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी वाला। तो दोस्तों ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में अगर इंग्लिश पढ़ी होगी दोस्तों, टेंस पढ़े होंगे तो आप लोग बता देंगे, अगला क्वेश्चन आपका टेंस बेस पर है। सी कुक्स, वॉशेस डिशेस, डज हर होमवर्क एंड देन रिलैक्सिंग, ओके। तो दोस्तों आपका क्या होगा, वह पकाती है, वॉशेस डिशेस, डिस्को धोकर, डज हर होमवर्क एंड देन रिलैक्सेस। दोस्तों आपको बता दें, देखिए हमारा क्या है, पूरा सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब दोस्तों वाक्य जो एक सामान्य आदत को स्पष्ट कर रहा है, वह नहाता है, फिर खाता है, फिर जाता है, फिर घूमता है, इस तरीके से एक आदत को शो कर रहा है, एक आदत की बात होती है तो वो हमारा वाक्य सिंपल प्रेजेंट में रहता है। तो यहाँ पर आप लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं। सी कुक्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। देखिए आपका देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस, यही तो होता है हमारा, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमारा देखा गया सी कुक्स, वॉशेस डिशेस, डज हर होमवर्क एंड देन रिलैक्सिंग। अब देखिए रिलैक्सिंग क्यों आएगा, जब यहां पर वर्ब आपकी कुक्स आ रही है, यहां पर वर्ब आपकी वॉशेस आ रही है, तो रिलैक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, रिलैक्सेस हो जाएगा, देन रिलैक्सेस। हमारा पूरा जो वाक्य है किस फॉर्म में रहेगा, इनडेफिनिट में रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी वाला, अगर यहां से आपका आंसर डी आ रहा तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द बिलो गिवन सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म द डिग्री ऑफ कंप्रेशन फ्रॉम कंपरेटिव टू पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, एक पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया कंपरेटिव में, लॉजिक इज मोर यूजफुल देन लव, ओके, लॉजिक इज मोर यूजफुल देन लव, बिना इसके मीनिंग को बदले हुए सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करना है। तो देखिए जैसे कि आपको एक एग्जांपल आता है, राम इज बेटर देन श्याम। दोस्तों जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए, आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम इज बेटर देन श्याम, राम जो है श्याम से अच्छा है, तो दोस्तों अगर इसको पॉजिटिव में चेंज करें तो क्या लिखेंगे, श्याम इज नॉट एज गुड एज राम, श्याम जो इतना अच्छा नहीं जितना कि राम है। तो बिल्कुल ऐसे यहां पर भी आ जाएगा, लव इज नॉट एज यूजफुल एज लॉजिक, ओके। तो बिल्कुल यहां से आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्लियर है। जैसे कि राम इज बेटर देन श्याम, वही आपको दिया गया, लॉजिक इज बेटर जगह रखा है मोर यूजफुल देन लव, तो उसका करते थे श्याम इज नॉट एज गुड एज राम, तो यहां पर भी क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, लव इज नॉट एज गुड की जगह पर आ जाएगा एज यूजफुल, क्योंकि हमारी जो डिग्री आएगी वो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये डिग्री अभी हमारी जो है कंपरेटिव डिग्री है, और यहां पर दोस्तों हमारी जो डिग्री आ रही पॉजिटिव डिग्री एज लॉजिक, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या करना है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द बिलो गिवन सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म द डिग्री ऑफ कंपैरिजन फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया अभिमन्यु वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, मतलब दोस्तों सुपरलेटिव दे रखी है और सुपरलेटिव से आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है सेंटेंस को।
करेक्ट आंसर क्या आएगा ये आप सभी को बताना है। अभिमन्यु वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ वॉरियर। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने एक सुपरलेटिव का एग्जांपल लिया, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी जो है इंडिया में, इंडिया के जो है सबसे महान नेताओं में से एक थे। महात्मा गांधी इंडिया के महान नेताओं में से एक थे। तो वही यहां पर दे रखा अभिमन्यु वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ वॉरियर, ठीक है ना। अभिमन्यु जो है योद्धाओं में से सबसे बहादुर है, तो इसको चेंज करना है किसमें, कंपैरेटिव में। तो महात्मा गांधी के करते महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर देन लीडर्स इन इंडिया, तो वैसे दोस्तों करेंगे यहां पर अभिमन्यु वाज ब्रेवर, अभिमन्यु वाज ब्रेवर देन मोस्ट ऑफ द अदर वॉरियर्स। बिल्कुल यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा 60 का बी वाला। जैसे महात्मा गांधी करते महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर, तो वैसे ही अभिमन्यु वाज ब्रेवर देन मोस्ट ऑफ द अदर वॉरियर्स। देखिए अगर आपके माइंड में स्ट्रक्चर है तो ये क्वेश्चन आप लोग आसान रहते हैं। तो यहां से राइट आंसर आएगा आपका बी वाला। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस गिवन इन ईच क्वेश्चन इज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। तो दोस्तों एक सेंटेंस के आगे जो ब्रैकेट दे रखा है उसमें चेंज करना है। नो वन लिव्स थॉर, तो मतलब दोस्तों क्या दिया गया, नो वन लिव्स देयर होगा, यहाँ पर थॉर नहीं दे रखा, ये आपका देयर होगा, ठीक है ना। नो वन स्लिप देयर मतलब वहां कोई नहीं रहता। इसको चेंज करना है आप लोग को इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चेंज करने के लिए दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, तो बिल्कुल यहां से देखिए आपका क्या है, सबसे पहले आपको दिया गया यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब में ऐसा यस लगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे पहले। स्ट्रक्चर देखिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट आएगा और फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, नाइन्थ और टेंथ क्लास में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आप लोग का, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमारा पहले क्या आएगा, आपका दिया गया नो वन लिव्स देयर, देयर के साथ दोस्तों आपका क्या लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा डस, क्योंकि ये देयर जो है हमारा सिंगुलर है और डस सिंगुलर के साथ आता है, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों डज एनी वन। तो देखिए हमारा बन जाएगा डज एनी वन, यहाँ पर भी है डज एनी वन, यहाँ पर भी है, लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि देखिए आपका जो एस है ये तो आपका लग चुका है यहाँ पर, ऐसे ही एस तो ऑलरेडी आ चुका है, तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वन लिव्ड, फिर आता है हमारा दोस्तों सब्जेक्ट, तो आ जाएगा देयर। तो डज एनी वन देयर लिव देयर, तो अगर आपका यहाँ से आंसर फोर्थ आ रहा है बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, द सेज इज सकिंग अप द रिवर, चेंज द वॉइस ऑफ द वर्ब फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो दोस्तों यहां पर आप लोग को एक एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए आपको दिया गया सब्जेक्ट, वर्ब और आपको दिया गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट दिया गया द रिवर, ठीक है ना दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने दोस्तों पहले क्या आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट आपका बाई लगा के लास्ट में आता है, और बीच में अगर आपका इज सकिंग दे रखा है मतलब अगर आपका कॉन्टिन्यूस है तो दोस्तों हमारा क्या लग जाता है, इसको चेंज कर देते हैं, बींग लगा देते, तो जो हमारा आई एन जी इसके आगे लगाते हैं बी आई एन जी, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, द से सबसे पहले आएगा द रिवर, 62 का क्या बन जाएगा, द रिवर इज बींग। तो देखिए सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हमारा जो देखा द रिवर, तो लिखेंगे द रिवर, ऑप्शन देखना ही नहीं है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग आते ही होंगे इंग्लिश, तो आप लोगों को पढ़े द रिवर, फिर दोस्तों हमारा इस का इज रहेगा, अब सकिंग दे रखा है यहाँ पर आ जाएगा बींग, क्योंकि आई एन जी हटाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, और सकिंग की दोस्तों क्या हो जाएगी, सक्ड हो जाएगी, एस यू सी के ए डी सक्ड अप, और फिर सब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं, बाई लगाकर, बाय द सेज एस जी। तो देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, द रिवर इज बींग सक्ड अप बाय द सेज, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही आपको बिल्कुल सही दिया गया, एग्जैक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का फर्स्ट वाला, बाकी सारे आपको गलत दिए गए, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि कहीं पर ही आपका बींग लगना चाहिए, तो आप लोग ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन में किसी में बींग है ही नहीं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इन दीज क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एप्रोप्रिएट वर्ड, फोर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, व्हेन सी वाज कॉट रेड हैंडेड, जब वह रंगे हाथों पकड़ी गई, सी न्यू वह जानती थी दैट हर प्लान्स, उसका प्लान जो है फेल हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से क्या आ जाएगा आप लोग का, हैव वर आर या फिर हैड। तो देखिए आप लोग भी जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, आप सभी को बता दें 63 का जो राइट आंसर आ जाएगा, यहां पर आपका लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है,
सबसे पहली बार सेंटेंस हमारा किसमें, पास्ट में है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट में तो आप लोग का देखिए हैव नहीं आएगा और आर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, वाज से हो रही है, और वाज हमारा पास्ट में। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, कैसे समझेंगे, देखते समझ जाएंगे। आपका वाज लगा तो आपका हैज, हैव और आपका आर नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों लगी हुई यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोग की आती हैज, हैव और हैड के साथ। तो हैज हैव तो आएगा नहीं, बचा आपका हैड, हैड के साथ है क्योंकि वर्ब आपका कॉन्टिन्यूस में यूज किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर आएगा आप लोग का यहाँ से डी वाला। तो दोस्तों व्हेन शी वाज कॉट रेड हैंडेड शी न्यू दैट हर प्लान्स हैड फेल्ड, कि उसका प्लान फेल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आप सभी को बताना। मिस्टर डिसूजा ब्लैंक अवेक द होल ऑफ द लास्ट नाइट वरीड अबाउट हर हस्बैंड्स हेल्थ। तो क्या आएगा, लेड आएगा, ले आएगा, हर लेड आएगा या फिर लाइट आएगा, बताइए दोस्तों 64 का यहाँ से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर आपका पास्ट सिंपल आना चाहिए, ओके। तो पास्ट सिंपल आएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ से आप लोग का ले। क्लियर है? राइट आंसर आएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का ले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ले माने होता है क्या, ले का मतलब होता है लाई, मतलब लेटना विदाउट स्लीपिंग, बिना नींद के जो है लेटना। तो देखिए आपका मतलब क्या हो जाएगा, सी वाज सो वरिड, वह बहुत चिंतित है, इसलिए दोस्तों क्या है उन्हें पूरी रात भर जो है नींद नहीं आई, किस लिए, क्योंकि उनके पति बीमार है। तो मिसेज डिसूजा ले अवेक द होल ऑफ द लास्ट नाइट वरिड अबाउट हर हस्बैंड हेल्थ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आएगा आप लोग का सेकेंड वाला। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्योंकि लाई की सेकेंड फॉर्म होती है आप लोग की ले, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो आएगा पास्ट, सॉरी ये हमारा जो है पास्ट सिंपल रहेगा, मतलब इनडेफिनेट फॉर्म में रहेगा, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी लाई ले। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को स्पेलिंग देखनी, कौन सी स्पेलिंग आप लोग की सही दे रखी है, मिस स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, कौन सी गलत है आपको बताते हैं। एकोमोडेशन ए डबल सी ओ डबल एम, देखिए पहली वाली आप लोग के आंसर आ जाएगा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब होता है समायोजन, आवास, यानी कि हाउसिंग, लॉजिंग, अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, ये होता है। तो आप लोग का डबल एम बनता है, ए डबल सी ओ डबल एम, ठीक है ना, यहाँ पर डबल एम बनेगा, डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। क्लियर है? ओके, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फिलहाल इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों आपका अंधविश्वासी, उम्मीद करता हूँ अंधविश्वासी यानी कि मैथिकल, इरेशनल यानी कि अनफाउंडेड। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज इन कैपिटल्स। दोस्तों यहाँ पर ईडियम फ्रेज का मतलब बताना है, जैसे दिया गया मैनी पीपल कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर व्हेन ही वाज इल। तो कॉल ऑन माने क्या होता है, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन का मतलब होता है पे अ विजिट टू, यानी कि विजिट मिलना, कॉल ऑन का मतलब होता है दोस्तों मिलना, किसी से विजिट करना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विजिट, कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब है कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट होना। तो कई लोग जो है मिलते हैं ऑन द मिनिस्टर, मिनिस्टर से, ही व्हेन ही वाज इल, जब वे दोस्तों परेशानी में होते हैं, जब वह परेशान होते हैं तो वह क्या करते हैं, कई लोग मिनिस्टर से मिलते हैं, तो आपका आ जाएगा विजिट। चलिए फिलहाल अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां पर क्या करना है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को नहीं चुका पाता उसको बोलते हैं यहाँ पर, बताइए, बिल्कुल उसको बोलते हैं रेडी, ठीक है ना, दिवालिया। तो फिलहाल यहाँ से आप लोग का क्या आ जाएगा, जो अपना कर्ज को नहीं चुका सकता, तो आएगा आप लोग का यहाँ से बिल्कुल सेकंड वाला इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं दिवालिया होता है, बिल्कुल बैंकरप्ट भी बोलते हैं। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने कर्ज को नहीं चुका सकता, आप लोग का जो है बैंकरप्ट भी आता है, इंसॉल्वेंट भी हो जाएगा। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, योगा बी वाला। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए मैं एक बार आपका रिवीजन कर देता हूँ पूरे पूरे पेपर का, अगर आप लोग वीडियो को लास्ट में देख रहे होंगे तो मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि सबसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया जिसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगर सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आपको एरर लगती है आप लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आया था हु, और मैं आपको बता दूं कंपनी, जैसे कि देखा दिस इज वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स इट प्रोडक्ट्स बट आल्सो गिव्स अ गुड आफ्टर सेल सर्विस। तो दोस्तों हु जो है आप लोग का लिविंग थिंग में आता है, नॉन लिविंग थिंग में आप लोग का विच का यूज किया जाता है, तो हु नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विच, तो पहले वाले में गलती थी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं आपको दिया गया, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योर सेल्फ लुक इन टू इट, ठीक है ना, तुम जब तक स्वयं में सुधार नहीं करोगे तब तक चीजें सुधर नहीं सकती। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ से आप लोग का दिया गया था यहाँ पर इन टू इट। अब देखिए यहाँ पर आपका यू है सब्जेक्ट, वर्ब आ गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट जो आएगा ये दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो आएगा,
यहाँ पर आप लोग की जो बात हो रही है एट वो थिंग्स के लिए हो रही है, और ये हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट भी तो यहाँ पर कैसा रहेगा, प्लूरल ही तो रहेगा, तो एट की जगह पर आपका दैम आएगा। तो राइट आंसर होगा आप लोग का थर्ड वाला। इसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बतानी थी। करेक्ट आंसर क्या है, ही इज यूजली बट टूडे ही इज अपीयर्स रेदर। तो देखिए ही इज यूजली वह सामान्यता जो है शांत रहता है, लेकिन आज वो कैसा दिखाई दे रहा है, आज वो प्रतीत हो रहा है अशांत, डिस्टर्ब प्रतीत हो रहा है, तो आपका आएगा काम और डिस्टर्ब। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ही सो मैग्नेनिमियस डेट एवरी वन इज ऑलवेज एगर टू हेल्प हिम इन दिस वर्क। वह इतना उदार है, वह इतना काइंड हार्टेड है, इतना बड़ा दिल का व्यक्ति है कि हर कोई उसके काम में उसकी मदद करने के लिए उत्सुक रहता है। तो बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर क्या आएगा आप लोग का, मैग्नेनिमस और हमारा एगर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 55 से 56 में आपको क्या करना है। यहाँ पर आप लोग को चार वर्ड दिए गए, फोर वर्ड दिए गए, अगर आपको सिनोनिम्स मिल जाए तो वही आप लोग का पेयर बन जाएगा, अगर आपको एंटोनिम्स मिल जाए तो आप लोग उसका पेयर बना लीजिए। जो भी आपको मिल जाएगा आप लोग को उसका पेयर बनाना है, चाहे आपको सिनोनिम्स मिल जाए चाहे आपको एंटोनिम्स मिल जाए। तो हमें मिल गया था दोस्तों यहाँ पर एबंडेंस और प्लेथरा, दोनों का मतलब ये होता है दोस्तों अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, यानी कि अधिक मात्रा में। ओके, तो हमारा आ गया था यहाँ से आंसर QS, अगर आपका आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हमने बताया था आप लोग को जर्मन, जनरेट, रिलायबल और इरेलीवेंट। तो जर्मन की बात करें दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया था 56 क्वेश्चन में, आपको याद भी होगा। देखिए जर्मन का मतलब होता है आप लोग का संगत, सुसंगत, और इरेलीवेंट का मतलब होता है नॉट रिलेवेंट, यानी कि अप्रासंगिक, असंगत। तो यहाँ पर आपको अपोजिट मिला था और पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिनोनिम्स मिला था। तो यहाँ से हमारा दोस्तों पी और एस का सेट बन रहा है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन बन रहा है। तो हमारा देखिए पी और एस हमारे अपोजिट है, तो जर्मन जस्ट अपोजिट होता है इरेलीवेंट। ओके, यानी कि नॉट जर्मन। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को बताना था दोस्तों, जो आपके यहाँ पर बोल्ड पार्ट दे रखा है यहाँ पर सही क्या होगा ये आपको बताना था। बाय सच टाइम नहीं होता, बाय द टाइम होता है, बाय द टाइम। जब तक तुम अपना कार्य जो है अपना चैप्टर पूरा नहीं कर लेते तब तक मैं एक पत्र लिख लेता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पर बाय द टाइम आएगा। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा ये जो पूरा सेंटेंस दे रखा है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है होता है आप लोग का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो रहता है हमारा। तो बिल्कुल यहाँ हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, सी कुक्स, वॉशेज डिशेज, डज हर होमवर्क एंड देन रिलैक्सिंग की जगह क्या हो जाएगा, रिलैक्सेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो वर्ब आएगी उसमें भी आपका एस या ई एस लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देन रिलैक्सेस। इसके बाद दोस्तों आप लोग को बताना था यहाँ पर डिग्री दे रखी थी आपको दोस्तों, इसको चेंज करना था कंपरेटिव से पॉजिटिव में। तो लॉजिक इज मोर यूजफुल देन लव, तो लव इज नॉट एज यूजफुल एज लॉजिक, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां से आपका आ जाएगा एस यूजफुल एस लॉजिक। इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया था अभिमन्यु, अब देखिए इसको चेंज करना था सुपरलेटिव से कंपरेटिव में। तो अभिमन्यु वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ वॉरियर्स, अभिमन्यु जो है योद्धाओं में से एक है। तो दोस्तों सबसे जो है बहादुर है, अभिमन्यु जो है योद्धाओं में से सबसे बहादुर है, तो क्या हो जाएगा अभिमन्यु वाज ब्रेवर देन मोस्ट ऑफ द अदर वॉरियर्स। तो बिल्कुल यहाँ से आप लोग का आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका बी वाला। क्लियर है, यही तो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अब तो आपका रिवीजन चल रहा है, इसको चेंज करना था इंट्रोगेटिव में, नो वन लिव्स देयर, तो आपका आ जाएगा डज एनी वन लिव देयर। सब्जेक्ट वर्ब की सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही ऐसा, फिर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो जब इसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में तो आएगा आपका डू या डज प्लस आप लोग का दोस्तों क्या रहेगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो हमारा बन जाएगा डज एनीवन लिव देयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, आपको दिया गया था द सेज इज सकिंग अप द रिवर। तो देखिए पहले हमारा आता है ऑब्जेक्ट, तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आप लोग का दोस्तों क्या रहता है ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, और एज जो है हमारा यही रहेगा, और सकिंग अप को चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा हमारा द रिवर एज बीइंग सग्ड अप बाय द सेज। तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, अगर यहाँ से आपका आंसर फर्स्ट आ रहा है तो बिल्कुल सही है। एक बार देखते हैं 63-64 में, यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर आप लोगों को बताना था दोस्तों ब्लैंक पार्ट दे रखा है यहाँ पर क्या आएगा, वैन सी वाज कॉट रेड हैंडेड। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था हमारा देखिए वाज दिया गया, हमारा जो वाक्य है जो सेंटेंस है ये पास्ट में हो गया, तो यहाँ पर हमारा हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। फिर मैंने बताया आप लोग को यहाँ पर दे रखा प्लांट्स फेल्ड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती है ये आप लोग के परफेक्ट टेंस में आती है, परफेक्ट में आती है, और परफेक्ट में आप लोग का हेड आ जाएगा, क्योंकि वर्ग के साथ आप लोग का तो आएगा नहीं, हेड आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग को मैंने बताया मिसेज डिसूजा, अब ये पूरा सेंटेंस हमारा किस में दे रखा है, सिंपल पास्ट में है,
तो देखिए मिसेज डिसूजा जो है अपने पति की हेल्थ को लेकर, पति की हेल्थ को लेकर यहाँ पर चिंतित या पूरी रात जो है सो ना सकें। तो पूरी रात सोई नहीं, मतलब दोस्तों होता है ले, ले का मतलब होता है आप लोग का लेटना, लाई, लाई की सेकेंड फॉर्म होती है ले, ओके, तो इसका मतलब होता है स्लीप विदाउट स्लीप, ले विदाउट स्लीप, तो मतलब दोस्तों क्या, तो लेटना बिना किसी, बिना नींद के। तो बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ से बी वाला। इसके बाद आपको स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना था कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत दे रखा है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन की बात करें इसमें आप लोग की स्पेलिंग होती है A CC O M, डबल एम आता है लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल एम दे रखा है इसलिए आपकी स्पेलिंग गलत थी। आपको यही बताना था कि गलत कौन सा है, उसको सेलेक्ट करना था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पर ईडियम फ्रेज बताना था, यहाँ पर आपको एक फ्रेजल वर्ड दे रखी है कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट, मतलब दोस्तों क्या होता है विजिट करना, क्लियर है। तो कॉल ऑन का मतलब दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, विजिट होना, मिलना। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आप लोगों का दिया गया यहाँ पर ईडियम फ्रेज, ईडियम फ्रेज में आप लोगों को बताना है यहाँ पर दिया गया इंडेप्टेड, इंडेप्टेड का मतलब होता है रेडी, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, और आप लोगों का इसका मतलब होता है निरक्षर, इलिटरेट का मतलब, तो आपका हो जाएगा इंसॉल्वेंट, अगर आपका आंसर इंसॉल्वेंट आ रहा है, या फिर बैंकक्रप्ट, अगर ऑप्शन में बैंकक्रप्ट होता तो भी वही होता। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कर्जे को चुका नहीं सकता उसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। तो फिलहाल दोस्तों ये था हमारा आज का अलावात हाई कोर्ट का इंग्लिश का पेपर आरओ का। कैसा लगा पेपर, सभी को समझ में तो आ गया? अगर किसी को समझ में ना आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, मेरा सबसे पहला टारगेट यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश दोस्तों बहुत कठिन नहीं है, ये सिर्फ वोकेबुलरी बेस है, कुछ आपको यहाँ पर रूल्स ध्यान रखने हैं, कुछ सेंटेंस देखना है। अगर एक बार आप लोग समझ गए ना तो फिर इंग्लिश आप लोग को बहुत ही ईजी लगने लगेगी। तो ये था दोस्तों आप लोग का आज का पेपर, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में, तब तक लिए दोस्तों नमस्कार।